हेलो एवरीवन, ईडी इमराल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम बात करेंगे श्रीलंका सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में, जो वहां के पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। भारत, चीन और यूनाइटेड किंगडम समेत 48 देशों के नागरिकों को श्रीलंका पहुँचने पर मुफ्त वीज़ा दिया जाएगा, ऐसा वहाँ की सरकार ने घोषणा की है। श्रीलंका ने ये कदम अपने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। वहाँ के पर्यटन मंत्री जॉन अमारतुंगा ने कहा था कि 48 देशों से आने वाले सैलानियों के लिए वीज़ा शुल्क खत्म कर दिया गया है। ये योजना बृहस्पतिवार यानी कि आज से लागू होगी। भारत से आने वाले सैलानियों को इसका लाभ मिलेगा। ईस्टर के दिन हुए आतंकवादी हमलों के बाद सैलानियों की संख्या उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने दावा किया था कि उन्हें ईस्टर संडे के दिन हुए आतंकी हमले से पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली चेतावनी की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी जानकारी दी जाती तो इसे रोका जा सकता था। सिरिसेना ने पिछले महीने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 21 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के संबंध में भारतीय खुफिया एजेंसी ने 21 दिन पहले ही संभावित हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली। ईस्टर के मौके पर हुए इस हमले में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि वह 16 अप्रैल को विदेश यात्रा पर रवाना हुए, लेकिन तब तक उन्हें भारत द्वारा दी गई खुफिया रिपोर्ट की जानकारी नहीं थी। हालांकि उस समय इस मुद्दे पर रक्षा सचिव और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के बीच बात हुई थी। दोस्तों, ये पिछले दिनों जो ईस्टर संडे वाले दिन 21 अप्रैल को जो वहाँ पे आत्मघाती हमला हुआ था, तो वहाँ पे लगभग 250 से अधिक लोग मारे गए थे, और 250 से अधिक लोग जब मारे गए थे तो उसमें विदेशी सैलानी भी शामिल थे, तो कई सारे देशों से आए हुए सैलानी भी उस हमले में मारे गए हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं श्रीलंका में जनसंख्या की। वहाँ की 70% आबादी बौद्ध है और श्रीलंका के 9.7% लोग मुस्लिम हैं। श्रीलंकाई आबादी के 7.4% लोग ईसाई हैं, जिसमें कि 82% लोग रोमन कैथोलिक हैं, जो सीधे पुर्तगालियों को अपनी धार्मिक विरासत का स्रोत बताते हैं। शेष ईसाई समान रूप से सीलोन के एंग्लिकन चर्च और अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के बीच विभाजित हैं। 2009 में श्रीलंका के गृह युद्ध के अंत के बाद से पहली बार इस देश में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। चलिए दोस्तों, अब श्रीलंका के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते हैं। 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका और 1978 में इसके आगे सम्मानजनक शब्द श्री जोड़ दिया। इसके बाद ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट पेड्रो है। इस पर्वत पर चढ़ना मना है क्योंकि ये सेना का हिस्सा है, वो कैंट एरिया है। इस द्वीप की समुद्र तट सीमा 13,640 किलोमीटर है। श्रीलंका का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धन पुराकोट्टे है। श्रीलंका की दो आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली सिंगला, सिंगला का शाब्दिक अर्थ होता है शेर का खून, और दूसरी है तमिल। 2012 की जनगणना के अनुसार श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है और आबादी के लिहाज से विश्व में 57वें स्थान पर है श्रीलंका। श्रीलंका के 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, 13% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, 10% मुस्लिम और 7% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र को जाता है, जिसने दूसरी शताब्दी में यहाँ आकर बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया था। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। जैसा कि हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो वहाँ श्रीलंकन रुपया चलता है। श्रीलंका की GDP 143 बिलियन है। सीलोन चाय श्रीलंका का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला उत्पाद है। श्रीलंका भारत की ही तरह क्रिकेट का दीवाना देश है, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए खेल में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया था जब 1996 के क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप अपने नाम किया था। जी हाँ, 1996 में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था। श्रीलंकन ध्वज में एक सोने का शेर चारों कोनों से सुनहरी पत्तियों से घिरा हुआ है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में, ये शेर है और चारों तरफ जो है सुनहरी पत्तियां हैं, इससे घिरा हुआ है। ये जो शेर है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और इसमें जो आप पट्टियां देख रहे हैं ये हरी पट्टी इस्लाम को दर्शाता है, और ये जो नारंगी पट्टी है ये हिंदू धर्म को दर्शाती है। श्रीलंका में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलंबो में है। विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का श्रेय श्रीलंका की श्रीमाओ भंडार नायके को जाता है। जी हाँ, विश्व में पहली बार यदि कोई महिला किसी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाओ भंडार नायके, जिनका फोटो देख सकते हैं, ये फोटो लगा हुआ है।
श्रीलंका ने ओलंपिक में अब तक केवल 2 मेडल प्राप्त किए हैं, वो भी दोनों रजत पदक। श्रीलंका में कुल 8 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। श्रीलंका का रेडियो स्टेशन विश्व के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन में से एक है, जो यूरोप के रेडियो की शुरुआत होने के महज 3 वर्ष बाद यानी कि 1923 में शुरू हुआ था। 2010 के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में 51 समाचार पत्र यानी कि 30 सिंगला भाषा में, 10 तमिल भाषा में, 11 अंग्रेजी भाषा में और 34 टीवी स्टेशन और 52 रेडियो स्टेशन है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि श्रीलंका की जो साक्षरता दर है वो 92.5% यानी कि 92.5% है, जो विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा शिक्षित देशों में आता है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ प्रारंभिक अवस्था से लेकर मध्य अवस्था के बाद तक की जितनी भी शिक्षा है वो पूरी मुफ्त है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वो सब आपके लिए मुफ्त है। तो दोस्तों, ये थे श्रीलंका के बारे में कुछ रोचक तत्व, और इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए बने रहिए रेडियो एमराल्ड के साथ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।